दोस्तों ये है, देख सकते हो रैपिड रेल, अब ये मार्च से स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये देखो कुछ ये सीन है यहाँ का रैपिड रेल का दोस्तों। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। और अभी हूँ मैं दुहाई स्टेशन जो बनाया जा रहा है RRTS का, उस पर। तो देख सकते हो पहले यहाँ पर टूटा फाटा रोड था, अब इन्होंने रोड भी बना दी है और ऊपर का जो इन्होंने फ्लोरिंग किया था वो उसकी सेटरिंग उतारी जा रही है। और आपको बता दूँ, ये लेफ्ट हैंड पे देख सकते हो, इधर ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जा चुका है और उसके बाद में ही इन्होंने ये रोड बनाई है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दुहाई डिपो, और दुहाई का जो डिपो के अंदर जो स्टेशन बनाया वो भी। तो आप बने रहो इस वीडियो के एंड तक और दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो ये देख सकते हो दोनों लाइन, एक तो डिपो में चली जाती है लेफ्ट वाली और राइट वाली सीधी चली जाती है मेरठ के लिए। तो यहाँ से हम हो जाते हैं लेफ्ट और दिखाते हैं आप लोगों को दुहाई डिपो। ये हम चल रहे हैं दुहाई डिपो के अंदर गाइस, तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कितना चौड़ा रोड बना दिया जा चुका है। और आपको बता दूं ये हमारे NCR का गोल चक्कर है, यानी कि ईस्टर्न पेरिफेरल। ये देख सकते हो ये सामने, ये ईस्टर्न पेरिफेरल है और ये चला जाता है आपका हर जगह के लिए ये जाता है। तो यहाँ से हम चलेंगे इसके किनारे किनारे पे और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दुहाई डिपो। तो पहले तो दिखाएंगे दुहाई डिपो का स्टेशन कि उसमें कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट, तो वो भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। और फिर उसके अंदर लेके चलेंगे डिपो के अंदर कि डिपो में क्या क्या वर्क चल रहा है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके हमें नीचे बताओ कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। तो देख सकते हो यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो गई और ये ईस्टर्न पेरिफेरल को क्रॉस कर रहा है। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, कुछ ये है नज़ारा यहाँ का। ये देखो ये ईस्टर्न पेरिफेरल को क्रॉस कर रहा है RRTS और दुहाई डिपो के अंदर आज मैं लेकर आया हूँ। तो आज आप लोगों को लेकर आया हूँ करीब 15-20 दिन के बाद में, और 15-20 दिन के बाद में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कितना कुछ वर्क यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये ट्रैक स्लैब, ये सामने रखे हुए हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर के कैमरे से। तो देखो ये सारे ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ये सारे ट्रैक स्लैब यहाँ पर रखे हुए हैं और यहीं से ट्रकों में लोड होकर ये ऊपर जाते हैं, जैसा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आप लोगों को दुहाई के अंदर। तो देख सकते हो ये सारे में ट्रैक स्लैब ही रखे हुए हैं, ये देखो। और इधर इन्होंने ये रोड भी बना दी है, ये देखो, पहले बहुत ज़्यादा टूटी टाटी थी तो इसलिए, और उधर की भी बनाई जाएगी, अभी उधर की रोड नहीं बनाई है इन्होंने। तो आप लोग ट्रैक स्लैब देखो और उसके उस तरफ है ये ईस्टर्न पेरिफेरल। तो यहाँ पर देखो प्लांटेशन की जा रही है इस बीच के डिवाइडर पर दोस्तों, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिटी की जो वायरिंग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली जा चुकी है। कुछ ये नज़ारा है यहाँ का, देखो यहाँ पर ये टीम आप लोगों को वर्क करते हुए मिलेगी। और यहाँ पर ये मिक्सचर प्लांट है इनका दुहाई डिपो में, देख सकते हो आप लोग। देखो यहाँ पर ये सारे जितने भी जो आपको बता दूँ जो सेफ्टी बोर्ड थे वो देखो उठा उठा कर अब यहाँ पर ला रहे हैं, ये रखते जा रहे हैं सेफ्टी बोर्ड।
तो यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट ख़त्म हो जाता है और अब इसका रैंप आ जाता है, ये देख सकते हो पूरा ही नज़ारा आप लोग देखो आज इस वीडियो में, और आप लोगों को क्लियर करके बताएंगे। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग देख लेना, लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश करता हूँ। तो इसका रैंप यहाँ पर देखो ये ख़त्म हो गया अब, और देखो ओवरहेड इक्विपमेंट वायरिंग सारा कुछ काम यहाँ पर कंप्लीट है। और अब इस पर आपको बता दो रैपिड रेल इस पर ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा, इस पर दौड़ने लगेगी अब रैपिड रेल दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, सारा काम यहाँ पर कंप्लीट सही हो चुका है लगभग। तो इस पर अभी देख सकते हो यहाँ पर ये गाड़ी गार्ड खड़े हुए हैं, और दुहाई का स्टेशन आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। दुहाई डिपो का जो स्टेशन है वो यहाँ पर ये रहा, तो देख सकते हो यहाँ पर ये सारा कंस्ट्रक्शन का ही सामान रखा हुआ है दोस्तों। ये देखो क्योंकि इन्होंने स्क्रीन डोर भी पहले ही लगा दिए थे इन्होंने स्क्रीन डोर्स। और जो बाहर आपको बता, जो दीवारों पे देख सकते हो ये पत्थर लगाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं, किस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं देख सकते हो। ये टीम द्वारा यहाँ पर वर्क हो रहा है, और ये यहाँ पर स्टेयर बनाई है जो कि पहले नहीं थी, उस पर भी स्टेयर बनाने का भी काम चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो यहाँ से, देखो वो स्क्रीन डोर लगाए इन्होंने, देखो वो अंदर स्क्रीन डोर पहले ही लग चुके हैं। और यहाँ पर ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसको बनाया जा रहा है, और इन्होंने मार्बल का पत्थर भी लगा दिया है। अब इस पर आपको बता दूं कि ये स्टेयर के ऊपर ये टीन शेड लगाया जाना है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और इधर ये दीवारें देख सकते हो, इस पर कुछ ये सीन है यहाँ का, देखो टीम लगी हुई है इस पर वर्क कर रही है, और दोनों साइड में ये बनाया गया है दोस्तों, देखो अपनी आँखों से ये कुछ ये सीन है यहाँ का। तो ये इस तरीके से ये इन्होंने स्टेयर बनाए हैं, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया है यहाँ का। ये दुहाई डिपो का जो स्टेशन है RRTS का, वो उसका नज़ारा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो कंटिन्यू, क्योंकि KP संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो देख सकते हो ये है बिक्कनपुर विलेज, ये बिक्कनपुर के लिए चला जाता है, और ये सामने का गेट है दुहाई डिपो का, और वहाँ पर दुहाई डिपो और ये दुहाई डिपो का स्टेशन RRTS का ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बन के दोस्तों। देख सकते हो ये दीवारों पे जो बाहर पत्थर लगाने का काम चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से, देखो किस तरीके से ये पत्थर लगाए जा रहे हैं ये। तो यहाँ पर बिल्कुल काम कम्प्लीट ही हो गया है। तो चलते हैं आप अंदर, इसके दुहाई डिपो के अंदर चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। देखो इधर रोड रोलर चल रहा है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये रोड को बना रहे हैं शायद, हाँ ये रोड को ही स्टैंड किया जा रहा है। ये देखो कंक्रीट इसको बिछा रहे हैं, इसको दबा रहे हैं ये ट्रक, ये देखो रोड रोलर। तो इधर ये नई इन्होंने रोड बनाई है दोस्तों, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको दुहाई डिपो के अंदर चलते हैं। अब कुछ ये सीन है यहाँ का, तो इस पर वायरिंग का भी काम चल रहा है इधर दोनों साइडों में। ये बिक्कनपुर विलेज है दोस्तों, तो डिपो ये बिक्कनपुर और दुहाई के बीच में आता है, तो यही वर्क चल रहा है अभी दुहाई डिपो के अंदर। देख सकते हो आप लोग तस्वीर है दोनों साइड में, देखो उधर भी इधर भी आप लोगों को। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें दोस्तों। देखो हम चल रहे हैं इसके अंदर, और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि RRTS कहाँ खड़ी हुई है। तस्वीरें देख सकते हो इधर, ये प्लांटेशन की जा रही है, इधर सारे में ही प्लांटेशन की जाएगी दोस्तों। और देखो ये टीम आ रही है,
ये देखो, ये ट्रैक पहले ही, इस पर आपको बता दूं कि यहाँ पर रैपिड रेल खड़ी हुई थी पहले। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का सीन कि क्या है नज़ारे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इधर शायद इन्होंने बंद कर रखा है, ये बंद किया हुआ है, इधर से जगह ही नहीं है। अब क्या किया जाए, अब हमें वापसी चलना पड़ेगा दोस्तों। तो वापसी चलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो यहाँ पर ये सीन है दुहाई डिपो का, ये दुहाई डिपो है देख सकते हो। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान अभी वर्क चल रहा है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा चल के। दूसरे गेट से चलते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया है दुहाई डिपो का स्टेशन, जो कि बिल्कुल कंप्लीट काम हो चुका है इस पर। तो हम चलते हैं इधर से, इधर से चलेंगे और फिर आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। देखो ये हम चल रहे हैं अंदर, अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर सारे में ही ये वर्कर काम कर रहे हैं दोनों साइडों में, देख सकते हो वो लगे हुए हैं ओवरहेड वायरिंग का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो यही सारा वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे दुहाई डिपो के अंदर दोस्तों। देखो टीम आप लोगों को नज़र आएगी हर जगह, क्योंकि टीम लगी हुई है। और इसमें देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी लगा दी जा चुकी है, स्ट्रीट लाइट इन्होंने लगा दी है पूरे में, पूरा ही वर्क यहाँ पर मतलब कंप्लीट होने की कगार पर ही है। तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हो इसमें सारे में ही इस पर वायरिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। ये देख सकते हो ये पटरियों को करा जा रहा है लेवल में, तो सारा ही काम इसमें कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी उधर से इन्होंने बंद कर दिया था, तो अब हम इधर आ गए हैं। तो आप लोगों को आगे से ही दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो ये NCRTC का ऑफिस है मेरा लेफ्ट वाला, और राइट वाला ये साइड है जो इसमें रैपिड रेल खड़ी होगी, जो मेंटेनेंस का काम है वो किया जाएगा दोस्तों। देखो और इधर खड़ी हुई है ये RRTS, ये सामने देखो ये खड़ी है RRTS इधर की साइड में। तो आप लोगों को आगे दिखाएंगे दूसरी भी RRTS कहाँ पर खड़ी हुई है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बताना, देखो सारे में ही GCB चल रहा है यहाँ पर, ये टीम लगी हुई है वर्क करते हुए, तो काम चल रहा है अभी तेजी के साथ में। ये यहाँ पर ट्रैक इन्होंने बिछाया जा रहा है, आगे के साइड में स्टैंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर अलाउ नहीं है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं बाइक से आता तो अलाउ नहीं करते, ये आने ही नहीं देते अंदर। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। दोस्तों ये है देख सकते हो रैपिड रेल, अब ये मार्च से स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये देखो कुछ ये सीन है यहाँ का रैपिड रेल का दोस्तों।